हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुद्ध ज्ञान। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू ऑफ द रूट सिस्टम, और ये टॉपिक लिया गया है प्लस वन बायो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से। और इस चैप्टर के बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दी फाइब्रस रूट सिस्टम इज़ मोस्टली फाउंड इन। तो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो आपका कौन से प्लांट्स में जो है वो पाया जाता है? तो फाइब्रस रूट सिस्टम आपका मोनोकॉट्स प्लांट में जो है वो पाया जाता है, और डाइकॉट्स प्लांट्स में जो सिस्टम होता है दैट इज़ दी टैप रूट सिस्टम। दोनों ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। डाइकॉट प्लांट्स में जो है वो टैप रूट सिस्टम, और मोनोकॉट्स प्लांट्स में जो है वो आपका फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दी राइजोम विच ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स आर। तो राइजोम्स आपके क्या होते हैं? राइजोम्स क्या है? एक टाइप की जो है वो प्लांट स्टेम है, ठीक है। वैसे तो ये हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ राइजोम जो है वो वर्टिकली अपवर्ड भी ग्रो करते हैं, और ऐसे राइजोम को रूट स्टॉक बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है कि सही कौन सी है। ऑर्चिड्स है पालमेट फ्लैशी रूट्स, सही है, ठीक है। ऑर्चिड्स की जो रूट होती हैं वो ह्यूमन पाम की तरह होती है, ठीक है। पेंडेनस हैज स्टिल्ट रूट, तो ये भी सही है। पेंडेनस में जो है वो स्टिल्ट रूट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। एंड स्वीट पोटैटो हैज रूट ट्यूबर्स, तो स्वीट पोटैटो जो है उसमें भी जो आपकी क्या होती हैं, रूट ट्यूबर्स जो है प्रेजेंट होती हैं। सो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट ऑल ऑफ दीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी इन यंग रूट्स द रूट हेयर जोन इज लोकेटेड बिटवीन। तो रूट हेयर जोन जो है वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है? रूट हेयर जोन आपकी रीजन ऑफ मैचुरेशन एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन के बीच का जो रीजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो अभी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योर सेल्स के बीच में क्या आएगी आपकी रूट हेयर जोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। इनमें से कौन सी रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम को जो है वो कंटेन करती हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नोडुलेटेड रूट्स। और पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है नोडुलेटेड रूट्स का, ओके। सो ऑप्शन बी जो है भी यहाँ पे करेक्ट होगा। एसिमिलेटरी रूट्स आपकी क्या होती हैं? एसिमिलेटरी रूट्स वो रूट्स होंगी जो आपकी फोटोसिंथेसिस करेंगी, ठीक है। वैसे रूट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो एबसेंट होता है, दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं, लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, उनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट्स। और नेपीफॉर्म रूट्स जो नेपीफॉर्म रूट्स बेसिकली जो है वो स्टोरेज रूट्स होती हैं, ठीक है। और नेपीफॉर्म रूट्स में क्या होता है कि जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो स्वोलन होता है, राउंडेड होता है, और एकदम से जो है वो ऊपर को जो है वो ये टेपर करती हैं, ठीक है, जैसे ऐसे। तो जैसे आपका टर्निप का एग्जांपल हो गया, दैट आर दी नेपीफॉर्म रूट्स। और नोडुलोज रूट्स आपकी क्या होती हैं? नोडुलोज रूट्स वो रूट्स होंगी जो ऐसी रूट्स जो कि अपाइसिस पर आके जो है वो स्वेल होंगी, ठीक है, विच स्वेल अप एट दी अपेक्स रीजन। ऐसी रूट्स को हम क्या बोलेंगे? नोडुलोज रूट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रूट्स आर मॉडिफाइड टू होस्टोरिया इन। तो रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक प्लांट एक्ट एज अ होस्टोरिया, और आपका एग्जांपल है इसका कस्क्यूटा, अमरबेल जो होती है, ठीक है। तो ये जो है वो फ्लोएम तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है कि जो अमरबेल है ये कस्क्यूटा जो है वो कहाँ तक जो है वो पेनिट्रेट करती है? तो ये जो है वो फ्लोएम रीजन तक जो है वो पेनिट्रेट करती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पैरासिटिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज। तो टर्निप का जो एडिबल पार्ट है वो कौन से टाइप की जो है वो रूट्स होती हैं? तो आपका जो रूट सिस्टम है उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम एंड टैप रूट सिस्टम। तो दोनों ही रूट्स जो है वो एज ए स्टोरेज का काम भी करती हैं। तो सबसे पहले हम टैप रूट्स का जो देख लेते हैं, टैप रूट्स एज स्टोरेज। तो ये जो है वो चार तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज दी कॉनिकल, सेकंड वन इज दी फ्यूजीफॉर्म,
And third one is the napiform. And the last one is the tuberous. तो ये जो है वो टैब रूट सिस्टम जो है वो एज ए स्टोरेज का काम करती हैं। तो उनको चार तरह में डिवाइड किया, कॉनिकल यानी कि कॉन शेप की, ठीक है, जैसे कि आपकी कॉनिकल में आपकी क्या आ गई, कैरेट फॉर एग्जांपल। और सेकंड है आपकी फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है कि जो लोअर और अपर एंड होगा वो क्या होगा, टेपरिंग होगा और बीच से जो है वो ये स्वोलन होगी, जैसे कि आपकी रेडिश। और नेपीफॉर्म में क्या होगा कि जो इसकी जो शेप होती है वो राउंडेड होती है, नीचे से जो है वो राउंडेड होगी और एकदम से जो है वो टेपरिंग होगी एंड में, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया टर्निप, नेपीफॉर्म। और ट्यूबरस रूट में जो होता है डेफिनेट कोई शेप नहीं होती है, जैसा फॉर एग्जांपल आपका जो 4 o'clock प्लांट है, ठीक है, तो उसमें जो है ट्यूबरस रूट जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज द मॉडिफाइड टैप रूट, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द मॉडिफाइड स्टोरेज रूट्स ऑफ डेलियाज आर। तो अब जो है जो डेलिया की स्टोरेज रूट्स होती हैं, ठीक है, हमने पहले यहाँ पे टैप रूट सिस्टम एज ए स्टोरेज का पढ़ा, अब हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो होता है, एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो एज ए स्टोरेज, तो वो कितनी टाइप की होती हैं। तो फर्स्ट वन है आपकी ट्यूबरस रूट्स। तो ट्यूबरस रूट्स में क्या होता है कि जो कुछ एडवेंटेशियस रूट्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरस रूट्स। और इसका जो आपका एग्जांपल है दैट इज़ दी स्वीट पोटैटो। और सेकंड जो टाइप है आपकी वो है फेसिकुलेटेड रूट्स, फेसिकुलेटेड रूट्स, ठीक है। तो फेसिकुलेटेड रूट्स बेसिकली आपकी ट्यूबरस रूट्स ही होती है, लेकिन ट्यूबरस रूट्स में क्या होता है कि सिर्फ एक ही रूट जो है वो स्वोलन होती है, ठीक है, एज ए स्टोरेज का काम करती है। फेसिकुलेटेड रूट्स क्या है, क्लस्टर में, ठीक है, बहुत सारी रूट्स जो है वो स्वोलन हो जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल है आपका डेलिया। एंड वन मोर एग्जाम्पल इज दिस दी एस्पेरेगस। थर्ड टाइप जो है आपकी वो है आपकी पालमेट ट्यूबरस रूट्स, जो कि हमने अभी पढ़ी पीछे ऑर्चिड में, ठीक है, जो ह्यूमन पाम की तरह जो होती हैं। एंड फोर्थ वन इज दी नोडुलोज। तो नोडुलोज भी हमने पीछे डिस्कस करा कि जो रूट अपेक्स होगा सिर्फ वहां से जो है वो रूट क्या होगी, स्वोलन होगी। और फिफ्थ वन है आपकी मोनिलीफॉर्म। तो मोनिली फॉर्म में क्या होगा कि अल्टरनेट जो है वो स्वोलन होगी, अल्टरनेट वे में जो है वो ये स्वोलन होगी, ठीक है, पहले स्वोलन फिर ऐसे फिर स्वोलन, तो अल्टरनेट वे में जो है रूट स्वोलन होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मोनिली फॉर्म रूट, ठीक है, ऐसे जैसे बीडेड हो। एंड द नेक्स्ट वन इज द सिक्स्थ टाइप इज द एन्यूलेटेड। एन्यूलेटेड में क्या होगा, ऐसे लगता है कि कोई डिस्क जो है वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखी गई है, ठीक है, ऐसे, तो ये हो जाएंगी आपकी एन्यूलेटेड रूट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन, मॉडिफाइड स्टोरेज रूट्स ऑफ डेलिया आर। तो इसका आंसर क्या होगा, फेसिकुलेटेड एडवेंटेशियस रूट्स, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ट्यूबरस रूट इज फाउंड इन। तो ट्यूबरस रूट्स जो हैं वो आपकी किस में जो है वो पाई जाती हैं। तो ट्यूबरस रूट्स अभी हमने पीछे पढ़ाई है, ट्यूबरस रूट्स आपकी स्वीट पोटैटो में जो है वो पाई जाती हैं। और स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है आपका, आइपोमिया बटाटा, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड। तो कौन सी मॉडिफिकेशन रूट की जो है फूड स्टोर नहीं करती है। तो हमने दोनों ही रूट सिस्टम का जो है वो स्टोरेज का देख लिया, टैप रूट का भी। और टैप रूट में जो स्टोरेज चार तरह की, कॉनिकल, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म एंड ट्यूबरस। और आपकी जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं उसमें 7-6 तरह की, ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, पालमेट, नोडुलोज, मोनिलीफॉर्म एंड एन्यूलेटेड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, विच मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट डज नॉट स्टोर फूड। तो नेपीफॉर्म भी हमने पढ़ी, कॉनिकल भी पढ़ी, ट्यूबरस भी पढ़ी, तो ओनली स्टिल्ट
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा, कि ये वाली जो रूट फॉर्म है वो एज ए स्टोरेज का काम नहीं करती है। द नेक्स्ट इज दी विच इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, इनमें से कौन सी जो है वो टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। तो आपकी जो प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट हैं, ये दोनों आपकी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। असिमिलेटरी रूट्स भी आपकी जो हैं वो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, प्रॉप रूट का एग्जांपल क्या है आपका, बरगद का पेड़, ठीक है, बनियन ट्री। और स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल क्या है आपका, शुगर केन हो गई आपकी एंड मेज, ये आपकी क्या है, स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल है। असिमिलेटरी रूट्स वो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस जो है वो करती हैं। बची आपकी ऑप्शन सी निमेटोफोर्स, तो निमेटोफोर्स आपकी कौन सी है, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम। ओके, जो आपका टैप रूट सिस्टम है उसमें तीन ही तरह की मॉडिफिकेशन है। फर्स्ट वन एज ए स्टोरेज, जो हमने फोर टाइप की पढ़ ली, ठीक है। सेकेंड वन है ये आपकी निमेटोफोर्स, और थर्ड वन है आपकी जो है वो नोडुलेटेड, ठीक है, जो नोड्यूल्स फॉर्मेशन होती है आपकी, दैट इज दी थर्ड फॉर्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी निमेटोफोर्स अकर इन दी प्लांट्स ऑफ, तो निमेटोफोर्स जो है वो कौन से प्लांट्स में होती है, तो जो आपके स्लाइन एरिया में, स्लाइन स्पैम्स में होते हैं। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, हेलोफिटिक प्लांट्स जो होंगे। तो आपके हेलोफिटिक प्लांट्स जो होंगे उनमें जो है वो निमेटोफोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, तो स्वीट पोटैटो अभी हमने पढ़ा, तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की जो है वो ये एक मॉडिफिकेशन है। बिच प्लांट हैज ऑल रूट्स, तो इसका सही आंसर है पोडोस्टैमन, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी डैश प्लांट हैव रूट पॉकेट्स, तो रूट पॉकेट्स क्या होती हैं, रूट पॉकेट्स बेसिकली जो हैं वो आपकी रूट कैप्स ही हैं, ठीक है, बट दे हैव लॉस्ट देयर यूटिलिटी ड्यू टू देयर नॉन यूज, ठीक है, जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वहाँ पे रूट कैप का जो है वो कोई यूज़ नहीं होता है, इसलिए जो है वो अपनी यूटिलिटी जो है वो ये खो देती हैं, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रूट पॉकेट्स, ठीक है। रूट पॉकेट्स क्या होती हैं आपकी, नॉन फंक्शनल होती हैं, नॉन फंक्शनल रूट कैप, इनको हम जो है वो रूट पॉकेट्स बोल सकते हैं। तो रूट पॉकेट्स आपकी जो है वो किसमें प्रेजेंट होती हैं, ओपनशिया, तो आपका जो है वो जीरोफिटिक प्लांट है, तो इसमें तो रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती, बनियान में भी नहीं हो सकती, तो रूट पॉकेट्स जो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, अकोनिया में जो है वो आपकी रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो दो एग्जांपल और भी हैं जिनमें जो है वो रूट पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं आपकी। फर्स्ट वन इज द लेमिना, ये हो गया, एंड थर्ड वन इज द पिस्टिया, तो इसमें जो है वो आपकी रूट पॉकेट्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एपिफिटिक प्लांट्स इज, तो आपके जो एपिफिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, एपिफिटिक रूट्स आपकी किसमें प्रेजेंट होती हैं, ऑर्चिड में, जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है वो एपिफिटिकली जो है वो ये ग्रो करते हैं, ठीक है, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो फ्रीली हैंग करती हैं एयर में टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ठीक है, इनकी जो रूट्स होती हैं एपिफिटिक प्लांट्स की वो क्या करती हैं, हैंग करती हैं, फ्रीली हैंग इन एयर, फ्रीली हैंग इन एयर, किस लिए, टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, कहाँ से मॉइस्चर, एयर से जो है वो मॉइस्चर को क्या करती हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू ए स्पेशल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बेलामन, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द बेलामन टेक पार्ट इन, तो अभी हमने डिस्कस करा एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूट हेयर डज नॉट कंटेन, रूट हेयर में क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय, तो
रूट हेयर्स जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। द नेक्स्ट इज दी रूट्स आर फीबली डेवलप्ड बाई, मतलब जिसमें जो है वो रूट्स जो है वो बहुत कम जो है वो डेवलप होती हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं, तो वो हैं आपके हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज द कॉनिकल फ्लैशी रूट्स अकर्स इन कॉनिकल्स, ठीक है, टैप रूट सिस्टम की मॉडिफिकेशन है ये, कॉनिकल रूट जो है वो तो किसमें होती है ये, कॉनिकल आपकी कैरेट में, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि स्वीट पोटैटो में कौन सी थी, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, डेलिया में आपकी फेसिकुलेटेड रूट्स थी, ठीक है, और एस्पेरेगस में जो है वो भी आपकी फेसिकुलेटेड रूट्स थी। द नेक्स्ट इज दी प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट, तो ये आपका टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रूट हेयर अकर इन द जोन ऑफ, तो सेल ऑफ इलोंगेशन जो है वो इसका सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी नोडुलेटेड रूट्स अकर इन, तो नोडुलेटेड रूट्स जो है वो आपकी किस में होंगी, ऑप्शन बी पी, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी रूट कैप टेक पार्ट इन, रूट कैप का जो है वो क्या फंक्शन होता है, सो इट प्रोटेक्ट दी रूट मेरिस्टम, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट इज दी रूट्स आर एबसेंट इन, रूट्स किस में एबसेंट होती हैं, बॉल्फिया में भी रूट एबसेंट होती हैं, सेराटोफाइलम में भी रूट्स एबसेंट होती हैं, एंड अट्रिकुलेरिया में भी रूट्स एबसेंट होती हैं, तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे राइट होगा ऑल ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट्स आर एबसेंट इन या रूटलेस प्लांट्स कौन कौन से हैं, बॉल्फिया, सेराटोफाइलम एंड अट्रिकुलेरिया। द नेक्स्ट इज इन नेमेटोफोर्स पजेस, नेमेटोफोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निमेटोफोर्स में क्या प्रेजेंट होता है, लेंटिसेल्स। द नेक्स्ट इज द इन मिराबिलिस जलापा द रूट्स आर, तो हमने अभी पढ़ा था मिराबिलिस जलापा में कैसी रूट्स होती हैं, ट्यूबरस, ऑप्शन ए, जो 4 o'clock प्लांट है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, जो हमने टैप रूट सिस्टम का पढ़ा ना, 4 type की स्टोरेज में काम आती हैं वो, कॉनिकल हो गई, फ्यूजीफॉर्म, नेपीफॉर्म एंड 4th जो थी आपकी ट्यूबरस, ठीक है, तो ट्यूबरस में एग्जाम्पल क्या था उसका, मिराबिलिस। द नेक्स्ट इज दी स्टिल्ट रूट ग्रो फ्रॉम, तो स्टिल्ट रूट जो है वो आपकी कहाँ से ग्रो करती हैं, ठीक है, लोअर नोड से, ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी क्लिम्बिंग रूट्स आर फाउंड इन, तो क्लिम्बिंग रूट्स आपकी किस में फाउंड होती हैं, ऑप्शन सी पाइपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एपिफिटिक रूट्स अकर इन, तो एपिफिटिक रूट्स जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, ऑर्चिड्स में जो है वो एपिफिटिक रूट्स जो है वो आपकी प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।